वो उसका बहुत हाई होता है सपोज हमारे पास एक कार है सपोज हमारे पास कार है जो मूव कर रही है तो इसके अंदर जो भी पर्सन होगा वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि वो कार के अंदर बैठा है तो विलो, हाई मोमेंटम इज ऑल्सो हाई एंड क्योंकि कार का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है एंड पीपल इन कार आल्सो हैव सेम मोमेंटम तो जो अंदर जो पर्सन होगा उसका भी सेम मोमेंटम होगा वी नो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम जो मोमेंटम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है जो मोमेंटम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सपोज भी हमारे पास मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा अगर टाइम हमारे पास लेस है अगर टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा लेस है तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा लार्ज तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा लार्ज सो इफ द मोमेंटम ब्रोड टू जीरो एट ए शोर्ट टाइम देन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज लार्ज तो उसके एस में हमारे पास अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा सो वेन ए कार मीट एन एक्सीडेंट जब कार के साथ एक्सीडेंट होता है द पर्सन फॉलिंग फ्रंट तो जो पर्सन होता है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है विथ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेचेबल सीट लेकिन जो सीट जो सीट बेल्ट होती है जो स्ट्रेचेबल सीट है वो क्या करती है एज ए इलास्टिक सीट बेल्ट रिड्यूस द मोमेंटम तो उसके मोमेंटम को डिक्रीज़ कर देती है इन मोर टाइम तो वो टाइम को ज़्यादा प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस द फोर्स तो ताकि वो फोर्स पे कम हो सो so, इसलिए जो सीट बेल्ट होती है उसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि जो ह्यूमन बींग है उसके मोमेंटम को डिक्रीज़ कर देना क्योंकि वो टाइम को बढ़ा देती है ताकि वो जो पर्सन होता है वो आगे जाके स्ट्राइक ना करे और टाइम बढ़ाने की वजह से जो हमारा मोमेंटम होगा अगर टाइम हमारा लेस होगा तो मोमेंटम भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा तो बेसिकली सीट बेल्ट का यूज़ यही होता है कि वो मोमेंटम को डिक्रीज़ कर देती है ताकि इंसान सेफली रहे क्लास एक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर